भगवान का साथ। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह ऐसा देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैर कर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप डंक के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठा और सांप के से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।